दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और स्कैरी डॉल का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि स्कैरी डॉल बुल्ली पे हमला करने के बाद उसे उस गिफ्ट में ले जाती है और खा जाती है। फिर कुछ देर बाद सोन उसके घर पे आता है और काफ़ी देर तक गुल्ली और सोन बुल्ली का इंतज़ार करते हैं। जब बुल्ली नहीं आता है तो गुल्ली सोन को वो गिफ्ट देता है और उसे घर जाने के लिए कहता है, और फिर उस गिफ्ट में से वो स्कैरी डॉल निकल के सोन पे भी हमला कर देती है। वहीं गुल्ली भी सोन के घर पहुंच जाता है और वो देखता है घर के बाहर बहुत सारा खून पड़ा था, और वो गेट खोलता है। जब गुल्ली गेट खोलता है तो उसे लगता है कि गेट के पीछे कोई है, इसलिए वो आराम से गेट के पीछे झांक के देखता है। लेकिन गेट के पीछे से कोई दिखाई नहीं देता। फिर उसकी नज़र नीचे पड़ती है, ज़मीन पे पूरा खून ही खून रहता है, और जब वो आगे देखता है तो उसे सोन की लाश पड़ी दिखाई देती है। सोन की लाश को देख के गुल्ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है यहाँ पे जिसने मेरे दोस्त सोन को मारा है? जिसने भी मेरे दोस्त सोन की हालत की है उसे मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद गुल्ली घर में चारों ओर देखने लगता है। लेकिन गुल्ली को घर में कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर उसकी नज़र सामने पड़े गिफ्ट की ओर जाती है। गिफ्ट खुला हुआ रखा था। फिर गुल्ली को शक होने लगता है, उसे लगता है कि गिफ्ट में ही ज़रूर कोई गड़बड़ है। फिर वो गिफ्ट के पास में जाता है। जब वो गिफ्ट के पास जाके गिफ्ट के अंदर की ओर देखता है तो बुल्ली की कटी हुई टांग उस गिफ्ट में दिखाई देती है। इस कटी हुई टांग को देख के गुल्ली को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और उसे पता चल जाता है कि सोन के साथ साथ बुल्ली भी मारा गया है। लेकिन गुल्ली को ये नहीं पता कि बुल्ली और सोन को किसने मारा। वहीं वो स्कैरी डॉल काफ़ी देर से छत पे उल्टी लटकी है, लेकिन गुल्ली की नज़र उस स्कैरी डॉल पे नहीं जा रही। वो बस चारों तरफ कमरे में ही देख रहा है। फिर अचानक से वो स्कैरी डॉल गुल्ली पे हमला कर देती है। लेकिन गुल्ली इस स्कैरी डॉल के वार से बच जाता है। इस स्कैरी डॉल के देख के गुल्ली को डर लगता है, लेकिन डर से ज़्यादा गुल्ली में गुस्सा भरा है, क्योंकि इस स्कैरी डॉल ने उनके प्यारे दोस्त बुल्ली और सोन को मार दिया है। फिर गुल्ली पास में पड़े सामान को उठाता है और स्कैरी डॉल पे फेंक के मारता है। ये क्या हुआ? स्कैरी डॉल तो गायब हो गई। फिर गुल्ली चार तरफ देखता है, लेकिन स्कैरी डॉल उसे कहीं दिखाई नहीं देती। गुल्ली को समझ में नहीं आ रहा कि इस स्कैरी डॉल से लड़ाई करे या बच के भागे। फिर गुल्ली पास में पड़े डंडे को उठाता है और स्कैरी डॉल पे हमला कर देता है। ये डंडा स्कैरी डॉल को लग जाता है और वो तुरंत गिर जाती है। बस फिर क्या था, गुल्ली को तो मौका मिल गया। फिर वो गुल्ली उस डंडे से कई बार उस स्कैरी डॉल पे हमला करता है। जब थोड़ी देर बाद गुल्ली रुकता है तो वो देखता है कि स्कैरी डॉल कोई हलचल नहीं कर रही है। लगता है स्कैरी डॉल मारी गई।
और गुल्ली को लगता है कि उसने बुल्ली और सोन की मौत का बदला ले लिया है। लेकिन बुल्ली और सोन को ज़िंदा भी करना है और ये काम केवल बाबा ही कर सकते हैं। फिर गुल्ली बिना टाइम वेस्ट किए बाबा को फ़ोन लगाता है। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। बाबा का तो फोन स्विच ऑफ बता रहा है, लग रहा है बाबा तपस्या करने गए हैं। अब मुझे खुद ही बाबा के पास जाना पड़ेगा। वो जैसे ही बाबा के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसकी नज़र फिर से स्कैरी डॉल पर पड़ती है और उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और फिर वो बल्ला उठा के फिर से स्कैरी डॉल की धुनाई शुरू कर देता है। इतनी देर तक धुनाई करने के बाद गुल्ली का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और फिर गुल्ली वो वाला गिफ्ट उठाता है जिसमें बुल्ली की टांग पड़ी थी और वो गिफ्ट लेके बाहर की ओर जाने लगता है। जैसे ही गुल्ली गेट खोलता है कि तभी क्या दोस्तों, ये स्कैरी डॉल सोन और बुल्ली की तरह गुल्ली को भी ख़त्म कर देगी या फिर बाबा एकदम सही समय पे आ जाएंगे और गुल्ली को बचा लेंगे? देखते हैं अगले पार्ट में। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि अगला पार्ट आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।